हेलो ऑल द स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकंड ईयर। आपके सेकंड ईयर में जो पेपर थर्ड है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सेल थ्योरी है, सेल कंसेप्ट है। तो आज हम थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे सेल थ्योरी का। इसमें हमें सेल्स और साइंटिस्ट पढ़ेंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ेंगे एंड मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो समरी है टोटल मिला के। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है उससे जो सेल के टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप जो दिखाई देते हैं उनको सेल कहा गया। ये जो माइक्रोस्कोप दिखा रखा है रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप डेवलप किया उससे उन्होंने कॉर्क सेल में जो डेड सेल्स थी रेक्टेंगुलर शेप में कुछ कोशिकाएं देखी और उनको उन्होंने सेल कहा। रॉबर्ट हुक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो टर्म दी सेल वो भी किस में, जो बार्क होती है ऑक ट्री की, जो बार्क होती है जो वुड होती है उसने उन्होंने जो स्लाइड बनाई 1665 में उसमें उन्होंने सबसे पहले कुछ कोशिकाओं का अध्ययन किया और जो सेल है वो टर्म उन्होंने दी। उन्होंने इसे सेल कहा। सेल सेल्स का हर जगह अलग अलग मीनिंग है। लाइक ए रूम, एक जो इसमें क्या था कि इसमें कुछ हॉलो खाली रेक्टेंगुलर रूम्स टाइप दिख रहे थे तो उसको उन्होंने सेल्स कहा। जैसे जेल की जो जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पर भी सेल कहा जाता है ना। तो जो सेल मीन्स एक खाली जगह, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इन्होंने जो बार की कोशिकाओं का अध्ययन किया, अभी सब जानते हैं कि यहाँ पे जाइलम की कोशिकाएं होती है और वो मृत कोशिकाएं होती है, उनकी सिर्फ सेल वॉल ही दिखाई देती है। तो यहाँ सिर्फ सेल वॉल दिखाई दे रही थी जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये कुछ खाली एरियाज हैं। ओके, ये जो कोशिकाएं थी वो डेड थी। उसके के अलावा बहुत सारे साइटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी डेवलप करने में हेल्प किए, कंट्रीब्यूशन दिया है। ये आपको जो सेल थ्योरी जब हम की बात करते हैं तो हम तीन मेन जो साइंटिस्ट हैं शिल्डन, स्वान एंड विर्चो, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी में अलग अलग टाइम पे या फिर लास्ट में मिला के एक सेल थ्योरी बनती है। तो कुछ और जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी के डेवलपमेंट में हेल्प की है या सेल की डिस्कवरी में हेल्प की है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये जो थे इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका, ओके, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप था सिंपल माइक्रोस्कोप इसको इम्प्रूव किया और जो टीनी एनिमल्स होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है, प्रोटोजोन्स हैं जो यूकैरियोट्स है, उनको उन्होंने देखा और उन्होंने इसे एनिमल कुले कहा। उसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, सेल के अंदर केंद्रक की खोज की। फिर है डुजार्डिन, उन्होंने कहा कि सेल के अंदर जो एक जिलेटिनियस फ्लड पाया जाता है, जो जिलेटिन के समान द्रव पाया जाता है उसको सार्कोड कहा जाता है और पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म कहा। ओके, उन्होंने सार्कोड कहा और प्रोटोप्लाज्म कहा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है तो आप थोड़ा सा उसको थॉरली याद रखें। विच परमिट द लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बाद में जो कॉलिकर हैं रॉबर्ट वॉन कॉलिकर उन्होंने इसको साइटोप्लाज्म कहा। साइटोप्लाज्म इज ए सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द सेल दैट होल्ड अदर सेलुलर पार्ट्स। ओके, न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी पार्ट पाया जाता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए,
न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो भी पार्ट पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड न्यूक्लियस, जो प्रोटोप्लाज्म है वो पूरा पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा है उसमें न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड है, और साइटोप्लाज्म में केंद्रक इंक्लूडेड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। उसके बाद थियोडोर स्वान, उन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो कोशिका के बने होते हैं। मैथियस शिल्डन, इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल्स हैं वो सेल्स से बने होते हैं। और लास्ट में आपके जो विर्चो हैं, उनका एक स्टेटमेंट है ओमनी सेलुला ई सेलुला, एक दो बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, विच मीन्स सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल। जो सेल है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन द्वारा बनती है, ये स्टेटमेंट इनका था। और ये जो स्टेटमेंट इन्होंने अपनी इस लैंग्वेज में दिया है, ग्रीक लैंग्वेज है या जो भी है, आप देख लेना, ये भी आपको याद रखना है। एक बार ऐसा क्वेश्चन मैंने अटेंड कर रखा है। ऑल ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड, स्पेशली द लास्ट थ्री मेंशन, जो लास्ट तीन जो थे, चिल्ड्रन स्वान विर्चो, तो इन तीनों के जो स्टेटमेंट थे, उनकी जो डिस्कवरी थी, उनको मिलाकर सेल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। तो पहले की जो सेल थ्योरी थी उसके जो तीन पार्ट थे मेन, आपको लाइन टू लाइन याद रखने हैं। फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल, सब सारी जो कोशिका हैं, सारे सजीव हैं वो कोशिकाओं से बने हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारी आधारभूत यूनिट है। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल जो है वो पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो जो ये पहला स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग सेल्स आर मेड ऑफ सेल्स, सेल्स में भी प्रोकैरियोटिक, आप जैसे देखते हैं बैक्टीरिया और उनके केस में यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक और मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आपको डिफरेंस पता है। थियोडोर स्वान सेड दैट प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, और जो शिल्डन थे उन्होंने कहा कि जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हैं, मतलब सारे ही सजीव। इन दोनों के अलग अलग याद रखना है आपको, स्वान ने प्लांट्स के बारे में कहा और मैथियस ने एनिमल्स के बारे में कहा। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो जो सेल है वो अंतिम लास्ट फंक्शनल यूनिट है। अगर हम सेल को ब्रेक कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी कार्य संपादित नहीं होते। ओके, तो सेल क्या है, अंतिम बेसिक यूनिट है जो फंक्शन कैरी आउट करती है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल कहाँ से आती है, पहले कोशिका होती है, उस कोशिका के कोशिका विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। अब जो ये है आपकी पुरानी सेल थ्योरी, उसके बाद थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट भी है। मॉडर्न स्टडीज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ की रोल ऑफ सेल्स, दे आर कॉल्ड द मॉडर्न सेल थ्योरी। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें क्या है, द एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड इन द सेल, सजीव की जितनी भी ऊर्जा होती है वो सेल्स के द्वारा बनती है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल, जो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। ऑल सेल हैव द बेसिक केमिकल कंपोजिशन, सारी सेल में एक आधारभूत रासायनिक संगठन पाया जाता है। तो जो एनर्जी है ऑर्गेनिज्म की वो कहाँ जनरेट होती है, कहाँ पैदा होती है, सेल में। और उसके लिए जो आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो फूड है उससे एटीपी का निर्माण करता है, और एटीपी जो है वो एनर्जी यूनिट्स होती हैं। डीएनए इज पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल, ये भी हमें पता है कि रेप्लिकेशन के द्वारा, या जो जब कोशिकाएं डिवाइड होती हैं तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए माइटोसिस द्वारा बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है।
ऑल सेल हैव द बेसिक केमिकल कंपोजिशन। बेसिक केमिकल कंपोजिशन सभी कोशिकाओं में एक जैसा होता है। ज़्यादातर लिविंग सेल में चार कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन चारों के अलावा, चारों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ओके, तो हम इन सब को जब ऐड करते हैं तो मॉडर्न सेल थ्योरी बनती है। और हम लास्टली मॉडर्न सेल थ्योरी बना सकते हैं। ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाई डिविजन। ओके, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, ये एक जो फोर्थ पॉइंट है वो एक अलग पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? जो ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। सेल किस तरह से रिएक्ट करती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गन है उसका, अगर वो कोई फंक्शन कर रहा है तो वो फंक्शन उसकी कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। द एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड इन द सेल्स। ओके, तो जो एनर्जी है ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर उत्पन्न होती है। सेल्स कंटेन डीएनए, क्रोमोजोम में आरएनए, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में। ऑल सेल्स आर बेसिकली सेम इन केमिकल कंपोजिशन इन ऑर्गेनिज्म इन सिमिलर स्पीसीज। सिमिलर स्पीसीज में जो सजीव हैं उनकी सारी कोशिकाओं में केमिकल कंपोजिशन सेम पाया जाता है। तो ये सब सेल थ्योरी के बारे में था। वैसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी लिखने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखना है और डिस्कस करना है। थैंक यू।